वहीं राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया है। बता दें कि जिसके चलते कोटा शहर के नयापुरा बस स्टैंड पर महिला यात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। मुफ्त यात्रा को लेकर महिलाओं ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसके तहत ही डिपो के नयापुरा बस स्टैंड प्रभारी नासिर हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार की घोषणा के बाद 15 अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं, जिसमें अजमेर, जयपुर, खाटू श्याम समेत अनेक स्थानों की बसें शामिल हैं। कोटा से तेजपाल सिंह बग्गा की रिपोर्ट। हमने रात को 10 चालक, 10 परिचालक और 10 गाड़ियां एक्स्ट्रा रख रखी हैं। उनमें से ज्यादातर यात्री पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम जी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ सांवरिया जी के यात्री ज़्यादा निकले हैं। उनमें महिलाएं, रात को ज़्यादा भीड़ थी और सुबह 10 बजे तक ज़्यादा भीड़ रही है, और अभी भी जैसे जैसे महिलाएं, बालिकाएं आ रही हैं, हम व्यवस्था पूरी बराबर रखे हुए हैं और हमने 5 गाड़ियां अभी भी एक्स्ट्रा रख रखी। जैसे महिलाएँ, किस तरह की सुविधा दी है ये राज्य सरकार ने महिला दिवस पर? राज्य सरकार ने महिला दिवस पर हर साल 8 तारीख को महिला दिवस मनता है, तो हम पूरी जैसे आदेश आते हैं बराबर हम वैसे की वैसी व्यवस्था करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है महिला के लिए, ठीक है। क्या कहना है सीएम साहब के बारे में, सरकार ने जो व्यवस्था की है? बहुत अच्छी है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं आ रही है। मैं लगेरी जा रही हूँ और आज बसा फ्री कर रखी है, महिला दिवस है, बहुत बढ़िया कर रखा है। ममता सरकार ने जो व्यवस्था की है इसके बारे में क्या कहना है आपका? बढ़िया कर रखी है।